रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर पुलिस ने ग्राम बीजकोट के पास रात्रि गश्त के दौरान अवैध कबाड़ की तस्करी करते हुए दो ट्रक और एक कार को पकड़ा है। पुलिस ने दोनों ट्रक से 33 टन अवैध कबाड़ जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 9,90,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दो ट्रक और एक कार सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल भूपदेवपुर पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद कार में सवार दो लोग ट्रक को निगरानी करते हुए जा रहे हैं, जिसमें अवैध चोरी का कबाड़ है। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम बनाकर अवैध परिवहन कर रहे ट्रक को ग्राम बीज कोट के पास पकड़ लिया गया। ट्रक को चेक करने पर भारी मात्रा में कबाड़ पाया गया। इसके बाद कड़ी पूछताछ करने पर ट्रक में लोड 33 टन लोहा चोरी का होना बताया गया, जिसे कबाड़ में तब्दील कर वो बेचने जा रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी सीबी स्टील प्लांट का सुपरवाइजर बताया जा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर जो दोनों ट्रक ड्राइवर और उनके साथ जो कार परिवहन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। इसमें आगे विवेचना में अगर देखा जाएगा कि कंपनी के अगर किसी अधिकारी की इसमें संलिप्तता पाई गई, तो निश्चित तौर पर उन पर भी वैधानिक। इस मामले में सबसे अहम बात जो सामने आ रही है, एक सुधीर वर्मा जिस कंपनी के शायद डायरेक्टर है जी, SB स्टील्स के जी, तो उनको लेकर कोई कार्रवाई या कोई नाम? अभी जो हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, इसमें सीबी स्टील प्लांट सुधीर कंपनी का सुपरवाइजर जो गिरफ्तार हुआ है, और उसको अभी न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। आगे इसमें कार्रवाई में जिन जिन व्यक्तियों का नाम आएगा, उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई की